आज नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए शामिल हुए थे, जिन्होंने बचे प्रत्याशियों पर आज पार्टी के इलेक्शन कमेटी के बैठक में चर्चा होने की बात की है। रामटेक निर्वाचन क्षेत्र पर पूछे सवाल पर चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से रामटेक की सीट हमारे शिवसेना के पास थी। इस बार की चर्चा में वह सीट अभी भी शिंदे शिवसेना के पास ही है, मगर चर्चा के दौरान वह सीट भाजपा की तरफ आती है तो वह अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आम्ही आता आमचं जे इलेक्शन कॅम्पियन आहे हे कॅम्पियन बूथ लेवलला आम्ही करतो आहे। प्रत्येक बूथवर मोदीजींच्या 10 वर्षाच्या सरकारचे जे काही गरीब कल्याण, मध्यमवर्गीयाचं कल्याण, शेतकऱ्याचं कल्याण, जे काही आम्ही केंद्र सरकारने योजना केल्या त्या योजनाला घेऊन मोदीजींचा नमस्कार आम्ही घरोघरी पोहोचवतो आहे। प्रत्येक घरी स्टिकर लावण्याचं आम्ही काम करतो आहे। मोदीजींनी 10 वर्षात केलेल्या कामाचं पत्रक आम्ही घरोघरी देणार आहोत आणि मला विश्वास आहे की मोठ्या प्रमाणावर जनता ही मोदीजीला मतदान करेल आणि मागच्या निवडणुकीपेक्षा 7-8% मतं वाढतील असा मला अंदाज आहे। वही अमरावती के बीजेपी प्रत्याशी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अमरावती की जगह बीजेपी के लिए छोटी है, वहां के प्रत्याशी पर जल्द ही निर्णय लिया जाने वाला है, साथ ही गढ़चिरौली पर भी उसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अमरावती जागा ही भाजपकडे आहे आणि लवकरच उमेदवार जाहीर होईल, 100% भाजपचाच उमेदवार लढणार आहे। तेच सांगितलं आपल्याला की महायुतीचे आम्ही सर्व नेते बसून योग्य पद्धतीने आमचं जागा वाटप करू। जिंकण्याचा आमचा महत्त्वाचा निकष आहे, जिंकण्याचा निकष असल्यामुळं जी जागा जो जिंकेल त्यांनी लढली पाहिजे। प्रतिष्ठा नाही आहे एकामेकाची, ही जागा आम्ही लढवू की ती जागा आम्ही लढू। जिंकण्याकरता ज्या ज्या आवश्यक बाबी आहेत किंवा जे जे निकष आहेत ते आम्ही पूर्ण करू। युती में सब ठीक होने की बात इस वक्त बावनकुए ने की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।